बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक प्रॉब्लम देखा था जिसके अंदर इशू ये था कि हम AX के अंदर num1 को लोड करने की कोशिश कर रहे थे और num1 खुद जो था दैट वाज अ बाइट। इस बाइट को हम ले जाके लोड नहीं कर सकते थे AX के अंदर, क्यों? क्योंकि AX वाज 16 बिट्स और ये एक बाइट था विच वाज 8 बिट्स। ठीक है जी, तो जब हम लोड कर रहे थे तो अजीब गरीब किस्म की हरकतें होनी थी, लोड हो जाता था लेकिन प्रॉब्लम ये कि इसके साथ की चीज़ को मिलाकर 16 बिट्स को लोड किया जा रहा था विच इज़ नॉट वॉट वी वॉन्टेड। तो हम लोगों ने इसका इलाज ये निकाला था कि इसको यहाँ पे आके DW कर दो। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको कोड किया हो तो आपको पता चलेगा कि इसको DW करने से भी मसला हल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे num1+1 लिखा हुआ है और यहाँ पे num1+2 लिखा हुआ है, +3 लिखा हुआ है। ये काम कर रहे हैं इस अजम्पशन पे कि इधर बाइट्स डिफाइंड हैं, तो आपको अपने पूरे कोड को भी जाके ठीक करना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, फ़र्ज़ करें इसको हम सही कर भी देते हैं तो फिर भी यहाँ पे ये नंबर्स इतने छोटे हैं कि एक बाइट में आते थे हम इनको वैसे ही वर्ड्स असाइन कर रहे हैं। तो अब हम करना क्या चाहते हैं कि हम इसको करेंगे वापस, ये बाइट ही रहेगा, हम इस AX को सही करने की कोशिश करेंगे। अब वो उसूल आपको पहले बता दिया जिसकी कोई एक्सेप्शन नहीं है कि अगर रजिस्टर में चीज़ जाएगी तो 16 बिट ही जाएगी, क्यों? क्योंकि रजिस्टर 16 बिट का है। फॉर्चुनेटली हमारे पास एक ऐसा आर्किटेक्चर है कि जिसके अंदर हमारा जो 16 बिट का रजिस्टर है उसके दो छोटे छोटे पार्ट्स हमें अवेलेबल किए गए हैं कि भाई इस 16 बिट में से इस 8 बिट्स को आप अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, इस 8 बिट्स को अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, दोबारा देखें, ये आपका पूरा रजिस्टर है 16 बिट्स का, हमें ये इंटेल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पुराने प्रोग्राम्स को करने की वजह से, और हमें भी उससे फ़ायदा हो जाता है कि यू कैन यूज़ दीज 8 बिट्स एज अ सेपरेट रजिस्टर। ठीक है जी, AX जो है दैट इज AX रजिस्टर इज 16 बिट्स, उसके अंदर जो चीज़ जाएगी 16 बिट्स ही जाएगी, 8 बिट्स नहीं जा सकती, एंड ऑफ स्टोरी, नो एक्सेप्शन टू दिस रूल। लेकिन जो जगह AX है उसी जगह को इंटेल कहता है किसके दो हिस्से करें, पहले हिस्से को हम कहेंगे कि ये AL है द लोअर पार्ट ऑफ AX रजिस्टर और ये AH है द अपर हायर पार्ट ऑफ द AX रजिस्टर। अब AL और AH ऐसा है जैसे लॉजिकली दो अलग अलग नए रजिस्टर्स हैं, तो वो चूंकि 8 बिट्स का है तो उसके अंदर हम 8 बिट की वैल्यू लोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको ज़रा विजुअली देखते हैं, पहले यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंटेल सॉफ्टवेयर डेवलपर मैनुअल, तो इसको हम खोल लेते हैं, दिस इज़ पेज नंबर 76। ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, दिस पोर्शन ओवर हेयर 0 से लेके 15 तक, यानी कि टोटल 16 बिट्स जो हैं, दिस इज दी AX रजिस्टर, ये बार लिखा भी हुआ है इसका नाम, ये जो जगह है इतनी जगह, दिस इज दी AX रजिस्टर। लेकिन इसी जगह को, ये जो फिजिकल मेमोरी लोकेशन है आपके पास CPU के अंदर, जो आपके पास रजिस्टर की लोकेशन है, उसी के दो हिस्से करके इन्होंने कहा कि ये AL है और ये AH है। ठीक है जी, अब हम क्या समझेंगे कि जैसे AL आपके पास एक रजिस्टर है जिसका साइज क्या है, 8 बिट्स, AH एक रजिस्टर है जिसका साइज है 8 बिट्स, AX एक रजिस्टर है, X stands for extended, AX एक रजिस्टर है विच हैज 16 बिट्स। ठीक हो गया जी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम AH के अंदर कोई चीज अलग से लोड कर सकते हैं 8 बिट्स की, AL के अंदर कोई अलग से चीज लोड कर सकते हैं 8 बिट्स की। लेकिन ये आप देखें कि फिजिकली ये वो एक ही जगह है जिसको हम कहते हैं तुम AL हो, तुम AH हो, लेकिन ये वही AX का ही पार्ट है। ठीक है, इससे एक फर्क पड़ेगा, कोड करते हैं तो फिर देखते हैं, कोड की तरफ आ जाए। सो ये बाइट्स ही हैं, बाकी कोड एग्जैक्टली वैसे का वैसा ही है, सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ पे आगे हमने इसको कहा AH में लोड करो, AL में भी कर सकते थे, मैंने AH में किया। इसी तरीके से जिस तरह AH है वैसे ही BH भी है, BX के दो पार्ट हैं, BL और BH। सब जगहों पे जहाँ जहाँ AX लिखा हुआ था मैंने X की जगह पे H कर दिया, AH, BH, AH, BH, BH, AH, BH, सारे के सारे H हो गए। तो ये कितने मेरे पास बिट्स के रजिस्टर हैं, सारे के सारे 8 बिट्स के। ठीक है, इसको जाके एग्जीक्यूट करते हैं और फिर इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करते हैं ताकि अच्छे तरीके से आपको ये बात समझ आ जाए। ये बात याद रखें, अच्छे तरीके से समझ लें कोड पे जाने से पहले, कि यू हैव 1 16 बिट लोकेशन और उसी लोकेशन के नीचे वाले पोर्शन को हम कह रहे हैं कि तुम AL हो और इसको हम कह रहे हैं कि तुम AH हो। ठीक है जी, वो जगह एक ही है फिजिकली, जिस तरह रैम में हमने कहा था ना कि डिफरेंट विंडोज़ के जरिए से अगर आप देखते भी हैं तो एक ही जगह पे पहुंचते हैं, तो यहाँ पे अगर आप उसको AL भी कह रहे हैं तो उसी बिट्स की बात हो रही है जो आप AX की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, विजुअली डिबगर में देखेंगे तो ज़रा बेहतर समझ आएगा। मैं इसको कोड में रन करता हूँ जी। जी इसको कंपाइल कर लेते हैं और लेट स्टार्ट दिस AFD C0206.com। देखें AH में हम लोड कर रहे हैं 0119 से। ठीक है, तो पहले तो हम इस तरह कर लेते हैं M10119 ताकि हमें दिखा दे ये 05 है, 10,
15, इनको हम ऐड करके डालना चाह रहे हैं सी के अंदर यहाँ पे, ठीक है जी, 011 सी के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। ओके सो अब सिचुएशन हमारे पास ये है कि हमने कहा कि मूव करो 0119 से AH के अंदर, ठीक है जी। AH देखें यहाँ पे आपको अलग से नज़र नहीं आएगा, क्यों नहीं नज़र आएगा, क्योंकि वो AX का ही पार्ट है। तो जब हम AH के अंदर कोई चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे AX के अंदर देखें कि वो चेंजेस आपको रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। तो ये इसके जो नीचे वाले दो बिट्स आपको नज़र आ रहे हैं बाइट्स, ये नीचे वाले दो निबल्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके पास AL है, और ये ऊपर वाले दो निबल्स जो नज़र आ रहे हैं ये आपके पास AH है, ठीक है जी। इसको तवज्जो रखेंगे, अब यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ F1, तो देखें आपका 5 कहाँ पे गया, इस जगह पे। नाउ इट लुक्स लाइक हमने AX रजिस्टर के अंदर 0500 मूव किया है, हमने 0500 AX के अंदर मूव नहीं किया, हमने AH के अंदर 05 मूव किया है। लेकिन चूंकि वो फिजिकली वही जगह है, दो पोर्शन थे AX के, तो अगर आप इस टाइम पे आप AX को रीड करने की कोशिश करेंगे तो इट विल लुक लाइक कि AX होल्ड्स द वैल्यू ऑफ 0500, विच वी नो एज प्रोग्रामर्स के इज नॉट द केस, ठीक है। ये बात अच्छे तरीके से अगर समझ आई है तो ठीक है, एक दफा दोबारा सुने। AX इज अ कलेक्शन, AX इज अ कलेक्शन ऑफ टू थिंग्स, AH एंड AL, ठीक है, इन दोनों की कलेक्शन है। तो अगर आप इस जगह पे कुछ डालते हैं तो वो भी AX में रिफ्लेक्ट होगी, अगर इस जगह पे कुछ डालते हैं तो वो भी AX में रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन हम चूंकि सिर्फ AH के साथ अभी काम कर रहे हैं तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि AX के अंदर बाकी चीज क्या नजर आ रही है, ठीक है। बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। ओके सो अब आगे आप काम कर सकते हैं, आप इसको मूव करें, 011A जो है उसके अंदर 0A पड़ा हुआ है, उसको BH के अंदर मूव करेंगे तो देखें ये यहाँ चला गया, ठीक। फिर आप कहते हैं 011B वाला जो है, सॉरी उसको ऐड करें वहाँ पे, क्या हो रहा है, ऐड करें AH और BH में, तो ये चला गया 0F यहाँ पे। देखें AH के अंदर अब आपने वो काम कर, इसकी लिस्टिंग भी बाय द वे साथ साथ देखते जाएं थोड़ा सा आपको ये नज़र आ रहा है कि क्या काम इसके साथ कर रहा है। यहाँ से आपने BH के अंदर वैल्यू लोड की, यहाँ पे F आ गया, इसके अंदर अब आप जब ऐड करेंगे ये 1E हो गया। अब आप कहते हैं AH को 011C के ऊपर लेके जाओ, तो अगेन देखें 011C ये जगह है। अब इसके अंदर वो इंडियन वाला मसला इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यू आर राइटिंग ओनली 1 byte। इंडियन वाला मसला तब आता है जब एक से ज़्यादा बाइट्स हों आपके पास, सिंस यू आर राइटिंग ओनली 1 byte तो ये वहाँ पे चला जाएगा इज्जत से, ठीक है जी। सो 011C के ऊपर AH जब आप करेंगे तो ये 1E चला जाएगा 011 किसके ऊपर, 011C के ऊपर, तो इस जगह पे आ जाएगा आपके पास 1E, ठीक है जी। अच्छे तरीके से समझ आ गई है अगर, तो ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास रजिस्टर AX, BX, CX ये सारे के सारे AL और AH में डिवाइडेड होते हैं। कौन से होते हैं वो यहाँ पे आपको मैंने इस जगह पे दिखा दिया कि ये जो चार रजिस्टर्स हैं आपके पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स, ये डिवाइड होते हैं, बाकी रजिस्टर्स डिवाइड नहीं होते, ठीक हो गया जी। सो इन ऑर्डर टू अचीव एफिशिएंसी यू कैन यूज देम, ये हो गई एक बात। इस लेक्चर में हमने दो बातें करनी है, दोनों का मकसद क्या है, नए रजिस्टर्स को देखना। तो यहाँ पे हम लोगों ने नए रजिस्टर्स तो नहीं है लेकिन एक ही रजिस्टर के पार्ट्स हम लोगों ने देख लिए। सो AL, AH, BL, BH, CL, CH, DL, DH ये हम लोगों ने एक किस्म के नए रजिस्टर्स देख लिए। एक और किस्म का रजिस्टर हम देखना चाह रहे हैं उसकी तरफ थोड़ी देर में आते हैं, सिर्फ इतना ये देख लें कि नाउ AL इज अ सेपरेट रजिस्टर, BH इज अ सेपरेट रजिस्टर, AH इज अ सेपरेट रजिस्टर। तो आप ये कर सकते हैं कि आप num1 को मूव करें BL के अंदर, इट्स परफेक्टली फाइन, इट्स अनदर रजिस्टर, यू कैन ऐड AH के साथ BL, ठीक है जी। आप AL के साथ BL को ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक AH आपने लिया दूसरा BL लिया, या एक AL लिया दूसरा BH लिया। इवन आप ये काम भी कर सकते हैं कि AL के अंदर आप ये वैल्यूज लाएं और AH के अंदर दूसरी वैल्यू, AH के अंदर एक वैल्यू, AL के अंदर दूसरी वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू लाएं, इसके अंदर ऐड करें दूसरी, इसके अंदर वैल्यू लाएं, इसके अंदर ऐड करें, यू कैन स्टिल डू दैट एज वेल, ठीक है जी। सो ये जो है आपके पास डिफरेंट रजिस्टर्स हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। एक मसला जो कि थोड़ा सा अजीब सा मसला है वो ये है कि मैं इस प्रोग्राम को एग्जिट करता हूँ, ज़रा दोबारा स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे देखिए शुरू में आपके पास AX की वैल्यू क्या है, 0000, ये आपको क्लीन करके दी गई है। लेकिन होता अक्सर ये है कि जब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो प्रोग्राम में जब आप रजिस्टर को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उससे पहले रजिस्टर में कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होती है, आपको वो वैल्यू खाली पहले करनी पड़ेगी। अगर आप ये कहते हैं ना मिसाल के तौर पे कि AX के अंदर कोई वैल्यू मैं लोड करना चाहता हूँ, और लोड मैं इस तरीके से करता हूँ कि ऐड इनटू AX वो 0 था और उसके अंदर मैं 2 डालूंगा तो वो अब 2 हो जाएगा, तो यू आर अस्यूमिंग कि वो शुरू में 0 था, ये 0 होना ज़रूरी नहीं है। दोबारा वापस आएँ, आपके पास कोई प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हो रही है और किसी जगह पे आप कहते हैं कि भाई मुझे कोई कॉल आई और मैं अभी AX के साथ काम करना शुरू करना चाहता हूँ, तो इफ़ यू मेक एन अजम्पशन कि AX पहले से 0 होगा, मिसाल के तौर पे फंक्शन कॉल में हम कहते हैं ना कि हमने जब कोई नया वेरिएबल बनाया तो उसकी वैल्यू 0 है,
जीरो ये होगा नहीं, देर इज नो गारंटी. वेन एवर यू स्टार्ट वर्किंग विद सम रजिस्टर यू आर सपोज टू एम्प्टी इट आउट फर्स्ट. ठीक है जी, तो उसका क्या तरीका हो सकता है? आसान बात है, मूव AX के अंदर जीरो की वैल्यू. ठीक है, आप बड़ी आसानी से इज्जत से मूव कर सकते हैं. लेकिन उसका एक और तरीका भी है, वो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे. तरीका ये है कि फर्ज करें शुरू में आपके पास AX के अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई थी, 08787 वैसी मैंने डाल दी कि भाई ये वैल्यू पहले पड़ी हुई थी, कोई गार्बेज वैल्यू थी, कोई काम हो रहा था. हम जब यहाँ पे आए, आगे मैं AL के अंदर काम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, पहले जाके मैं इसको क्लीन करूँगा. अगर मैं क्लीन नहीं करूँगा तो क्या होगा, इसके लिए कोड में आके देखें. दिस इज 06B, सो लेट्स क्विट दिस. ओके, देखें, मैंने शुरू में लेट्स से आपके AX के अंदर क्या वैल्यू थी, 8787. ठीक है जी, अब आप आके इसको करते हैं, इसको लाइन को स्किप कर दिया मैंने. अब आप आके ये करते हैं कि AL के अंदर वैल्यू लोड करो 011C से. ठीक है, तो M1011C यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है 05. अगर इसको मैं AX के अंदर मूव करता हूँ, AL के अंदर सॉरी, मैं मूव करता हूँ इसको, तो देखें 87, ये पहले वाला 87 अपनी जगह पर रह जाएगा और ये दूसरे 87 की जगह पे क्या आ जाएगा, 05 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी. देखें AX के अंदर क्या हो गया, 8705. वो 87 कहाँ से आ गया भाई, 87 यहाँ से आ गया कि वो पहले से पड़ा हुआ था, मैंने उसको कुछ कहा ही नहीं. मैंने वैल्यू किस जगह पे मूव की है, AL के अंदर मैंने मूव की है, और AL के अंदर वैल्यू अगर मैंने मूव की है तो दूसरे 87 जो कि AH में पड़ा हुआ है उसके ऊपर मेरा कोई इफेक्ट नहीं आया. ठीक है जी, दिस इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम जो कि आमतौर पे बग्स आते हैं. आप कहते हैं भाई मेरे पास बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ हैं, मैं उनको AX के अंदर डालता जाऊंगा और वो ऐड होती जाएंगी और आखिर में मैं AX से वैल्यू निकाल लूंगा. दोबारा सुने, AL में मैं चीज़ें ऐड करता जाऊंगा और चूंकि वो AX का ही पार्ट है तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर आती जाएंगी और आखिर में मैं AX से वैल्यू निकाल लूंगा. तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपके प्रोग्राम के अंदर बग आएगा. इस सेंटेंस को दोबारा सुने अच्छे तरीके से. ठीक है, AL के अंदर मैं वैल्यूज़ डालता जाऊंगा और वो AX में सम होती जाएंगी. ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि AL और AX दोनों इसेंशियली एक ही जगह के नाम हैं. ठीक है, एक छोटी जगह है और एक बड़ी जगह है. इसके अंदर मैं चीज़ें डालता जाऊँगा तो ओवरफिल करके वो यहाँ पे आएंगी, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ. ठीक है जी, नहीं समझ आया तो इसको कागज़ के ऊपर बना कर देखेंगे. AX के अंदर अगर मैं वैल्यू डालता हूँ 5, फिर मैं ऐड करता हूँ 5, फिर ऐड करता हूँ 5, फिर ऐड करता हूँ 5, तो जब ये FF तक पहुँच जाएगा उसके बाद जब इसकी वैल्यू आएगी तो वो जाएगा 100. ठीक है जी, बना के बताता हूँ. आपने वैल्यू डाली 05 AL के अंदर, उसके अंदर फिर आपने ऐड किया, हो गया वो 0F. ठीक, 0A. ठीक है, फिर उसके अंदर आपने दोबारा वैल्यू डाली 5, 0F, फिर वो हो गया उसके बाद 14. एनीवे, व्हाट एवर द वैल्यू इज. ठीक है जी, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. सो ये वैल्यू जो है ऐड होती जाएंगी, जब ये FF तक पहुंच जाएगा उसके बाद ये ओवरफिल जब होगा तो ये हो जाएगा 100. ठीक है, अगर एक एक आप ऐड कर रहे हैं इसके अंदर तो ये हो जाएगा 100. तो ये 00 तो AL में रह जाएंगे और ये चीज़ जो है ये AH के अंदर चली जाएगी. ठीक है, इसको आगे जाके हम तफसील से देखेंगे. अभी सिर्फ आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि AL और AH आपस में बंधे हुए हैं. ठीक है, AL, AH और AX ये तीनों चूंकि एक ही जगह के नामों के आपस में रिलेशनशिप है तो इन दोनों का आपस में ताल्लुक है तीनों का. इनको आप इंडिपेंडेंटली एज अ रजिस्टर यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है जी, ये खड़ा पाल क्यों रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंसी, जिस वजह से हम लोगों ने असेंबली लैंग्वेज करनी शुरू की थी. ठीक है जी, ओके. सो उसका इलाज क्या है, आप ये कर सकते हैं कि मूव AX के अंदर जीरो कर दो. ठीक है, साफ हो गया AX. लेकिन इससे जो बेहतर तरीका है, विच इज़ जनरली आपको कोड में नज़र आएगा असेंबली के कोड में, वो है कि आप एक्सक्लूसिव वॉर करते हैं AX को AX के साथ. तो एक्सक्लूसिव वॉर आप लोगों ने DLD में पढ़ा होगा. अगर एक्सक्लूसिव वॉर आप किसी चीज़ को उसी के साथ करते हैं तो एक्सक्लूसिव वॉर इज़ इन इक्वालिटी डिडक्टर. हर बिट को वो देखता रहेगा, जो इन इक्वल बिट्स होंगे उनको वन छोड़ेगा, बाकियों को जीरो कर देगा. तो जब दोनों एक चीज़ों को आप एक्सक्लूसिव वॉर करेंगे तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो. ठीक है, अगर ये नहीं बात याद तो इतना बता देता हूँ, इफ़ यू डू एक्सक्लूसिव ऑर ऑफ समथिंग विद इटसेल्फ यू गेट ऑल जीरोज़ बैक. ठीक है, और उसको हम उठा के सेव कर देते हैं वापस AX के अंदर. ठीक है, ये इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आम तौर पे AX को खाली करने के लिए ये काम किया जाता है. ये अगर समझ नहीं आई तो यहाँ पे कोड में देखेंगे, बड़ी इज्जत से समझ आ जाएगी. देखें, रन किया इसको, आपने F1 किया, AX के अंदर चला गया 8787. जब भी आप एक्सक्लूसिव ऑर करेंगे किसी चीज़ को उसके अपने साथ, AX के ऊपर इफेक्ट देखें, जीरो. ठीक है जी, हमने मूव क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्सक्लूसिव ऑर इज़ स्लाइटली फास्टर और औरों के कोड में आपको ये नज़र आएगा, तो इस वजह से यहाँ पे हमने कवर कर लिया. ठीक हो गया, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट.
ओके सो ये एक काम हमने कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या बात की थी, दो काम हमने करने हैं, इसके आगे हमें ज़रूरत है इसलिए हम ये कर रहे हैं। हमने दो काम करने थे, पहला काम हम लोगों ने एक किस्म के रजिस्टर्स देखे, अभी हम एक और किस्म का रजिस्टर देखने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हम ज़रा एक थोड़ा सा ग्राउंड बनाते हैं, ठीक है। सो लेट्स से दिस, उस काम के लिए हम वापस जाएंगे ज़रा यहाँ पे 0205 के ऊपर। यहाँ पे देखें हमने क्या काम किया था कि AX के अंदर वैल्यू लोड करो नम वन से, ठीक है जी। नम वन के अंदर क्या पड़ा हुआ था यहाँ पे, 5, ठीक है। सो लेट्स से वी चेंज दिस टू DW ताकि थोड़ा सा हमें समझने में आसानी रहे। AX के अंदर मैंने नम वन के अंदर से वैल्यू लोड की, ठीक है। ये 5 मेरे पास AX के अंदर आ गया, ये क्यों आया दोबारा देखें। नम वन इज द एड्रेस ऑफ दिस गाय, तो ये ऐसा है जैसे अगर ये जगह लोकेशन थी 0119 तो मैंने लिखा हुआ है 0119। ये बात अच्छे तरीके से अगर क्लियर है तो आगे पढ़ें, वरना पिछली वीडियो जाके पहले देखें। यहाँ पे 0119 लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है 0119, क्योंकि नम वन मैंने लिखा है, नम वन इज दिस एड्रेस, तो वो आपका असेंबलर खुद ही इसको 0119 कर देगा, ठीक है। तो फ़र्ज करें कि अगर मैं इसको इस तरीके से करूँ कि भाई ये नम वन जो है, नम वन की अपनी वैल्यू, इसको मैं पहले मूव करता हूँ, मूव लेट से कोई भी और नया रजिस्टर ले लें, लेट से मैं इसको ले लेता हूँ DX के अंदर, ठीक है। और मैं इसको कहता हूँ कि नम वन की अपनी एक्चुअल वैल्यू इस रजिस्टर के अंदर डालो, ठीक है। तो नम वन जहाँ जहाँ लिखा था वहाँ पे क्या हो जाता है, 0119। तो अब DX के अंदर क्या चीज़ जाएगी, DX के अंदर 0119 एड्रेस पे जो चीज़ पड़ी है वो नहीं जाएगी, क्योंकि इसके आगे पीछे ब्रैकेट्स नहीं है। DX के अंदर जाएगा एक्चुअल नंबर 0119, ये चला गया उसके अंदर, DX रजिस्टर के अंदर पड़ा हुआ 0119। और यहाँ पे जो मैंने नम वन लिखा था उसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ DX, ठीक। तो अब बात क्या बनी कि जब हम इस लाइन नंबर 6 पे पहुँचेंगे तो आपके, आप क्या उसको कोड बता रहे हैं, आप कोड ये बता रहे हैं कि भाई DX की वैल्यू को उठा के यहाँ लिखो। DX में क्या रखा था अभी थोड़ी देर पहले हमने, 0119, और उस लोकेशन के ऊपर जो चीज़ पड़ी हुई है, अब ब्रैकेट्स आ गए, उस लोकेशन के ऊपर जो चीज़ पड़ी हुई है उसको उठा के AX के अंदर डाल दो। तो AX के अंदर वापस क्या चीज़ गई दोबारा, 5। दोबारा देखें, पहला तरीका क्या था, हमने लिखा था AX num1, जब AX num1 हमने लिखा था तो num1 का जो ट्रांसलेट करके एड्रेस बना था 0119, तो ये ऐसा था जैसा हम कह रहे हैं कि मूव इनटू AX द वैल्यू एट एड्रेस 0119, ठीक हो गया। अब हमने थोड़ा दूसरा काम किया, डिफरेंट काम किया, हमने DX के अंदर 0119 लोड कर लिया और फिर हम कहते हैं कि DX के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू के एड्रेस के ऊपर जो चीज पड़ी हुई है उसको लोड करो, ठीक है। तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम, दोनों के अपने फवायद नुकसान हैं, दो तरीके से हम काम क्यों करें, अपने फवायद नुकसान हैं, उसकी तरफ नहीं जा रहे, बाद में आएंगे उसकी तरफ। लेकिन ये दूसरा तरीका देखें, तो यहाँ पे अगर आपने लिखा कि नम वन BX के अंदर जाएगा और यहाँ पे आपने ये लिखा, तो इन दोनों का मकसद एक ही है, ये भी AX के अंदर 5 लोड करेगा और ये भी BX के अंदर 5 ही लोड करेगा, ठीक है। तो दोनों का एक ही मतलब बन जाता है। इस चीज़ को कहा जाता है डायरेक्ट एड्रेसिंग, इस वाले को कहा जाता है डायरेक्ट एड्रेसिंग, और इस वाले को कहा जाता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है, या रजिस्टर बेस्ड एड्रेसिंग कहा जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट नाम इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, नाम्स इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ठीक है, कि ये आप एक किस्म का रीडायरेक्ट करके जा रहे हैं, ठीक हो गया। ओके, इसकी एग्जाम्पल ज़रा इसको साफ करके लिखते हैं तो फिर ज़रा बेहतर तरीके से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। सो लेट्स गेट रिड ऑफ दिस, पुराने कोड सही कर देते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं। ओके, हमने पहले क्या किया, AX को हमने खाली कर दिया, वैसे ही इन जनरल जो भी रजिस्टर आपने यूज़ करना है उसको नॉर्मली पहले खाली करते हैं। अब हम कहते हैं कि द वैल्यू ऑफ नम वन विच इज़ द एड्रेस ऑफ दिस गाय, ठीक है, इसको हमने लोड कर दिया रजिस्टर BX के अंदर, नॉट द वैल्यू एट दैट एड्रेस, द एड्रेस इटसेल्फ हमने BX के अंदर लोड कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि एड्रेस BX के अंदर जो एड्रेस पड़ा हुआ है उस लोकेशन पे जाओ, स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब है उस लोकेशन पे जाओ, वहां से वैल्यू उठा के AX के अंदर डालो। तो AX के अंदर क्या चीज जाएगी, 5, ठीक हो गया। फिर मैं कहता हूं BX के अंदर 2 ऐड करो, BX रजिस्टर के अंदर, BX रजिस्टर के ऊपर जो वैल्यू है वो वाली बात नहीं, BX के अंदर अभी क्या वैल्यू पड़ी है, देखिए इसमें बहुत बड़ी साइंस नहीं है, सीधी सी बात है, BX के अंदर मैंने क्या डाला था 0119, उसके अंदर आप क्या कर दो, 2 को ऐड कर दो, बस इसने 2 को ऐड कर दिया। फिर मैं कहता हूँ कि अब दोबारा उसी एड्रेस पे जाओ जो कि BX के अंदर पड़ा है, फ़र्क क्या है कि BX के अंदर जो एड्रेस पड़ा था वो एड्रेस मैं चेंज कर चुका हूँ, उस वैल्यू को उठाओ। तो अब पहले BX 0119 था तो अब उससे 2 लोकेशन आगे की चीज़ इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। ये कहानी यहाँ पे ऐसी कॉम्प्लिकेटेड होगी, इसको सीधा जाकर डीबगर में देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स पुट दिस,
देखें बी एक्स के अंदर क्या चीज़ लोड करो, 011F, देखें इसके आगे पीछे स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है, M1011F, सॉरी 011F वो लिख दिया था। ओके यहाँ पे पड़ा हुआ 5 को हम करेंगे लोड, ठीक है जी, वो 0005 वाला मसला अपनी जगह पे है, ठीक है। अभी मैं BX के अंदर क्या लोड कर रहा हूँ, BX के ऊपर तवज्जो रखें, मैं क्या लोड कर रहा हूँ, नॉट 5 बट द एक्चुअल वैल्यू 011F, ठीक है, 011F यहाँ पे वैल्यू चली गई, ठीक है। यहाँ पे ये बात क्लियर करें कि वो लिटिल इंडियन वाला मसला यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि वो मेमोरी के साथ है, मेमोरी के ऊपर जब एड्रेसिंग करते हैं, ये तो कोड के अंदर एग्जैक्ट बात लिखी हुई है, 011F को ले जाओ वहाँ पे। ओके सो ये हम ले गए यहाँ पे, AX के अंदर क्या चीज़ लोड करो, वैल्यू एट BX, तो BX क्या चीज़ है, 011F, वैल्यू एट 011F इज 05, तो वैल्यू एट 011F विच इज 5 को लोड कर दो AX में, तो AX के अंदर क्या चीज़ गई, 5। दोबारा देखें BX के अंदर लोड ऐड करो वैल्यू 2, BX के अंदर अभी है 011F, इसके अंदर जब आप 2 ऐड करेंगे तो BX के अंदर अपने क्या चीज़ हो जाएगी चेंज, देखें उस 5 के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, BX में पड़ा हुआ है 011F, वो हो जाएगा 0121, 011F के अंदर जब आप 2 ऐड करते हैं तो 0121 हो जाता है, ठीक है, हेक्स में। M1 के अंदर आपके पास क्या पड़ा हुआ है 0121 के ऊपर, ये वो 10 की वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। अब आप कहते हैं कि AX के अंदर वो वैल्यू लोड करो विच इज एट द एड्रेस हेल्ड बाय BX, दोबारा BX का जो एड्रेस है, BX के अंदर जो वैल्यू है 0121 उसको यहाँ पे लाके लिखें, उसके आगे ब्रैकेट्स लगाएंगे तो इसका मतलब है 0121 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है क्या करूँ उसके साथ, उसको AX में मूव कर दो, ठीक है, ऐड कर दो। तो 0121 के ऊपर वैल्यू पड़ी हुई है 000A, इसको उठा के किधर ऐड कर देगा, AX के अंदर, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप, BX में फिर 2 ऐड करो तो ये हो जाएगा 0123, M1 के अंदर देखें 0123 में क्या पड़ा हुआ है 0F00। अब हम इसको दोबारा क्या कह रहे हैं, BX रजिस्टर में से वैल्यू उठाओ 0123 यहां लाके लिख दो, उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है उस पर जाओ विच इज 000F, उसको लाके ऐड कर दो AX के अंदर, AX के अंदर ऐड किया तो AX हो गया 01001E, ठीक है, और इसको फिर हमने एक जगह पे जाके राइट कर दिया, ठीक है, 0125 के ऊपर हमने इसको राइट भी कर दिया, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से कोड को देखें, इसको अच्छे तरीके से समझें, ठीक है जी। एक नज़र दोबारा, नंबर 1 हमने लोड किया BX के अंदर, BX की वैल्यू उठाओ, उस एड्रेस पे जाओ, वो वैल्यू उठा के AX में ऐड कर दो, ठीक है। ये हमने किया क्यों है अभी समझ आएगा, थोड़ी देर में भी समझ आएगा कि ये इतना घुमा के हम काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है जी। BX के अंदर 2 ऐड कर दो, अब दोबारा जाओ BX की वैल्यू उठाओ, उस एड्रेस पे जाओ, अब ये एड्रेस चेंज हो गया, थोड़ी देर पहले हमने एड्रेस को 2 इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है, वहां से वैल्यू उठाओ AX के अंदर डालो, फिर BX को 2 इंक्रीमेंट करो, उधर से वैल्यू उठाओ AX के अंदर डालो, आखिर में AX की वैल्यू को रिजल्ट के अंदर राइट कर दो, ठीक है। यहां तक अगर बात क्लियर होगी, इसको रन करके देखें, ठीक है, ये रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि इसको आप रन करके देखें साथ, ये आप जब रन करेंगे इसको तो आपको ये समझ आएगी कि ये काम हो किस तरीके से रहा है, लेकिन ये नहीं समझ आएगी कि ये क्यों किया है। तो क्यों की वजह आपको बताता हूं, अगर हम इसको दूसरे तरीके से करते तो ये पैटर्न इमर्ज ना होता। यहां पे देखें, ये इतनी लाइनों को देखें, दीज आर द सेम 2 लाइंस रिपीटेड 3 टाइम्स। हम करना क्या चाह रहे हैं कि इसको 3 से लेके जाना चाह रहे हैं 10 तक। तो 10 तक हम इसको कैसे लेके जा सकते हैं, ऐसे लेके जा सकते हैं कि अब इस चीज को बजाय इसके कि हम हाथ से 3 दफा लिखें, हम इसके ऊपर लगाएंगे एक लूप। तो लूप लगाने के लिए जरूरी है कि लूप की बॉडी जो रिपीट हो रही है बार बार, वो एक जैसी हो। तो ये एक जैसा करने के लिए हमने ये काम किया, ठीक है। यहां पे देखें, जब हमने इसको इस तरीके से किया था तो ये दोनों जो है ये एक जैसे नहीं थे, एक में num+1 लिखा हुआ था, एक में num+2 लिखा हुआ था, ठीक है। असेंबली में ये बात हैंडल करना थोड़ी सी मुश्किल होती है, कर सकते हैं लेकिन थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये हम आसान तरीके का लूप बनाना चाह रहे थे, तो हमने ये कॉन्सेप्ट कर लिया। तो कॉन्सेप्ट खुद अपनी जगह पर जरूरी है, लेकिन यहां पर हमें समझने के लिए जरा सी अब आसानी हो जाएगी कि इससे जब हम लूप बनाएंगे तो बड़ा साफ सुथरा सा लूप बनेगा, ठीक है। हमने करना क्या है, हमने इसको लूप की बॉडी में डालना है और हमने लूप को कहना है कि तुम 3 दफा चलो, ठीक है। ये लूप की बॉडी होगी और लूप को हम कहेंगे कि तुमने 3 दफा चलना है, तो ये चीज खुद ही हो जाएगी, ठीक हो गया। ये बात अगर अच्छे तरीके से समझ आएगी तो अब ये देखें कि लूप बनाने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। नंबर 1, हमें एक ब्रांचिंग की इंस्ट्रक्शन चाहिए, हमें ये चाहिए कि जो ये डिसाइड कर सके कि अगर मगर इफ वाली बात कर सके। अभी तक हमने इफ नहीं किया, लूप पहले कर रहे हैं। लूप हमें क्यों चाहिए,
क्योंकि लूप हमने काम को रेपिटेटिवली अक्सर करना होता है। लूप के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप कहें कि भाई अगर लूप सफिशेंट नंबर ऑफ टाइम्स चल चुका है तो और मत चलाओ, अगर सफिशेंट नंबर ऑफ टाइम नहीं चल चुका तो दोबारा चलाओ उसको। तो ये अगर मगर बीच में आ जाती है, इसको कहते हैं ब्रांचिंग की इंस्ट्रक्शन, ये आपको चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये चाहिए कि आप वो एक्चुअल चेक लगा सकें कि हमने कहना है कि लूप हम स्टार्ट करेंगे तो 3, 2, 1, 0, जब 0 हो जाए तो फिर रुक जाओ, ठीक है। तो ये गिनती भी किसी तरीके से हमने रखनी है अपने पास, और ये चेक लगाना है कि जो गिनती हम कर रहे हैं वो 0 से ज़्यादा ज़्यादा तक है। हम नॉर्मली लूप लगाते हैं ना तो 0, 1, 2, 3 करते हैं, हम यहाँ पे लूप 3, 2, 1 करेंगे। असेंबली में आम तौर पे तरीकाकार ये है, क्यों है थोड़ी देर में समझ आ जाएगी, ठीक है जी। दोबारा देखें हम करना क्या चाह रहे हैं, इन चीज़ों को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं लूप में। लूप में क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसको अगर हमने 1000 दफ़ा करना होगा, 1000 नंबर्स को ऐड करना होगा, हम हाथ से नहीं लिख सकते 1000 दफ़ा, इसलिए लूप लगा रहे हैं। लूप के फायदे आपको पता है, अगेन पहले बात कही थी कि जो असेंबली लैंग्वेज है दैट इज़ जस्ट अ न्यू लैंग्वेज। लूप के फायदे, इफ के फायदे, वो वगैरह आपको सारे पता हैं। हम सब ये देखना चाह रहे हैं कि लूप असेंबली में करेंगे कैसे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ चाहिए, ये दो काम हमें चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जाते हैं ज़रा, इसको ज़रा जाके देखते हैं। जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूट करने पर हम एक नई जगह देखना चाह रहे हैं अपने डीबगर में, उसको ज़रा नज़र में रखें। सो लेट्स क्विट एंड रन दिस अगेन। ये जगह देखें, ये जगह जो कि अभी तक हमने इग्नोर मारा हुआ था इसको, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, ठीक है, ये जगह नज़र आ रही है। इसमें आपने देखना है ये जेड एफ जो लिखा हुआ है, ठीक है जी। इस जेड एफ के नीचे एक ज़ीरो लिखा हुआ है, इसको देखेंगे थोड़ी देर के लिए, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इससे इफेक्ट क्या आता है, ठीक है जी। सो वी आर गोइंग टू डू F1, यहाँ पे देखें, बाकी सब कहानी को छोड़ें। ये क्या हो गया AX के अंदर, क्या हो गया 0, क्योंकि हमने एक्सक्लूसिव और उसको किया है। और ये ZF के नीचे जो है वैल्यू क्या हो गई 1। दिस ZF इज ए फ्लैग, F स्टैंड फॉर फ्लैग। प्रोसेसर में कुछ फ्लैग्स होते हैं जो कि आपको पिछले ऑपरेशन के कुछ रिजल्ट्स बताते हैं, ठीक है। ZF स्टैंड फॉर जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग आपको ये बताता है कि जो पिछला ऑपरेशन हुआ था, अरिथमेटिक ऑपरेशन, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन, एक्सक्लूसिव और लॉजिकल ऑपरेशन है ना, जीरो फ्लैग ये बताता है कि पिछला, गौर से सुने, जो पिछला अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हुआ था अगर उसने जीरो प्रोड्यूस किया था एज अ रिजल्ट, तो जीरो फ्लैग को ऑन कर दिया जाता है, ठीक है। ये किस बाहरकत का मतलब क्या है थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, ठीक है। बड़ी बड़ी प्यारी आर्किटेक्चर बनाया, बड़ी सिंपल सी चीज़ों के जरिए से बड़े खूबसूरत किस्म के आप इसे लॉजिक बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है, इसको ज़रा तवज्जो से देखें, ठीक है। इससे वो हम कहते हैं ना कंप्यूटर का दिमाग आपको समझ आता है कि कंप्यूटर इतने छोटे छोटे, ये देखें, इतने चंद पीसीस के जरिए से वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के काम कर सकता है। तो वो पीस जो है उसकी बड़ी खूबसूरती होती है, उसको ज़रा तवज्जो से देखें। अगेन जीरो फ्लैग क्या करता है कि अगर जीरो फ्लैग 1 है तो आपको पता चलेगा कि पिछला जो ऑपरेशन हुआ है अरिथमेटिक और लॉजिकल, उसके नतीजे में जीरो प्रोड्यूस हुआ था। ये भी जीरो फ्लैग 1 क्यों है, क्योंकि एक्सक्लूसिव और जब आपने AX को AX के साथ किया था तो जीरो प्रोड्यूस हुआ था जो कि AX में किया था, इसलिए जीरो फ्लैग इज 1 एट द मोमेंट, ठीक हो गया जी। जीरो फ्लैग वाली अगर बात हो गई, समझ आ गई, तो आगे चलते हैं, ठीक है जी। दोबारा एक दफ़ा सुन लें, जीरो फ्लैग कोई बड़ी साइंस नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है, इसकी वजह क्यों बाद में आएगी, लेकिन बात इतनी सी है कि अगर किसी ऑपरेशन ने लॉजिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशन ने, मूव ऑपरेशंस की बात नहीं हो रही, लॉजिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशंस ने अगर जीरो प्रोड्यूस किया था पिछली दफ़ा, पिछली जो भी लॉजिकल या अरिथमेटिक ऑपरेशन था उसने अगर जीरो प्रोड्यूस किया था तो आर जीरो फ्लैग इज गोइंग टू बी सेट। सेट का मतलब है वो 1 होगा, ठीक है, वरना वो 0 होगा, ठीक हो गया। देखें थोड़ी देर आगे चलते हैं, इसको देखें 1 किया मैंने, अब मैं AX के अंदर क्या चीज़ ऐड कर रहा हूँ, BX की वैल्यू को मैं ऐड कर रहा हूँ। तो AX के अंदर क्या वैल्यू गई 0F 05, ठीक है। तो इसने 0 तो नहीं प्रोड्यूस किया ना ऐड ने, तो 0 फ्लैग को देखें वो 0 हो गया। सो 0 फ्लैग को फॉल्स या ट्रू के हिसाब से अगर आप देखें तो 0 फ्लैग इज सेट टू 0 और फॉल्स, विच मीन्स कि पिछला अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन ने 0 प्रोड्यूस नहीं किया था, ठीक हो गया। ये 0 फ्लैग अभी हम इस्तेमाल करेंगे, यहाँ तक बात सही हुई, ओके। यहाँ पे हम आए, हमने आगे क्या करना है, अभी ये एक बात हमने देख ली। दूसरी बात आप ये कर सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं अपने इंस्ट्रक्शंस के दरमियान में कि जीरो फ्लैग को देखो, अगर जीरो फ्लैग है तो ये करो, अगर नहीं है तो ये करो, ठीक है। ये काम आप कर सकते हैं, वो इफ जो है ना आपके पास, इफ आपके पास बिल्ट इन आपको प्रोसेसर के अंदर एक इंस्ट्रक्शन मिलती है जो कि आपको ये बताती है कि अगर जीरो फ्लैग सेट था तो ये कर लो, अगर फ्लां काम था तो ये कर लो, अगर फ्लां काम था तो ये कर लो। तो हम जीरो फ्लैग से बात सिर्फ शुरू करना चाह रहे हैं, हम एक इंस्ट्रक्शन देंगे, हम उसको ये कहेंगे कि अगर जीरो फ्लैग सेट था तो फ्लां काम करो, ठीक है जी। जीरो फ्लैग क्या होगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है, 1 होगा या 0 होगा। तो
तो हम वो जो इफ लगाते थे, इफ को क्या चाहिए होता था, ट्रू या फॉल्स। तो हम यहाँ पे इसको किस बुनियाद के ऊपर हम वो करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन इस बुनियाद के ऊपर लगाएंगे कि जीरो फ्लैग सेट है कि नहीं है। बाकी कंडीशंस हम चेक करना हमारे लिए मुश्किल होती है, जीरो फ्लैग को चेक करना बड़ा आसान है। ठीक हो गया, कोड देखेंगे तो ज़रा बेहतर तरीके से समझ आएगी। यहाँ पे आ जाए, हम लोगों ने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जब ये प्रोग्राम पूरा हो जाएगा फिर समझ आएगा कि क्या हुआ है। ठीक है, मैं पहले कहानी इसकी नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट कोड बताऊंगा। एक एक इंस्ट्रक्शन को एक टाइम पे देखें और समझें कि वो इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है। मूव ए एक्स कॉमा जीरो, दिस इज एग्जैक्टली द सेम एज एक्सक्लूसिव और जीरो ए एक्स कॉमा जीरो, एक्सक्लूसिव और ए एक्स कॉमा ए एक्स, एक ही बात है, हमने मूव के जरिए से यहाँ पे कर दिया। ठीक है जी, इसको कहते हैं रीसेट द एक्यूमुलेटर। ओके, सी एक्स के अंदर मैंने एक नया रजिस्टर है, सी एक्स ए एक्स बी एक्स सी एक्स, जैसे जैसे आते जाएंगे देखते जाएंगे। सी एक्स के अंदर हमने वैल्यू मूव कर दी 3, क्यों किया, क्योंकि हमें पता है लूप को 3 दफ़ा हमने एग्जीक्यूट करना है। आगे आए, बी एक्स के अंदर मैंने वैल्यू उसी तरीके से मूव कर दी, नम वन वाली, जैसे हमने यहाँ पे मूव की थी, ये वही इंस्ट्रक्शन है एज इट इज़ लिख ली। मैंने यहाँ पे एक लेबल लगाया है, जैसे पहले बताया था लेबल के अंदर कोई खास बात नहीं होती, इसका डाटा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका डी डब्ल्यू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका डी बी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ ये जो जगह है इस जगह का एड्रेस अपने अंदर रखेगा। ठीक है, आउटर लूप का जो नाम है ये सिर्फ अपने अंदर इस जगह का एड्रेस रखेगा, अपनी आसानी के लिए हम लोगों ने इसको नाम दे दिया। ठीक है, मैंने इसका नाम आउटर लूप इसलिए रखा है क्योंकि मैं इसको लूप चलाना चाह रहा हूँ। इसको हम सिर्फ लूप भी रख सकते थे, लेकिन एक वजह से मैंने इसका नाम लूप नहीं रखा, वो बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसका नाम आउटर लूप रखा है, आप एक्स वाई जेड भी रख सकते हैं, लेकिन मत रखें एक्स वाई जेड, ऑब्वियसली पता है आप लोगों को। इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, बी एक्स, जिस बी एक्स के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू वाले एड्रेस पे जाओ और वहां से वैल्यू उठा के ए एक्स के अंदर डाल दो और बी एक्स को प्लस 2 कर दो। ये वही इंस्ट्रक्शंस है जो कि हम रिपीट करना चाह रहे हैं, ये वो बॉडी है, लूप की बॉडी है। ठीक, और फिर हम क्या करते हैं, सी एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर दो 1। ठीक हो गया, सी एक्स में क्या डाला था, 3, सी एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर दो 1। और ये नई इंस्ट्रक्शन है जो कि ज़रूरी है, मैंने आपको पहले बताया ये अभी नहीं समझ आ रही होगी, ये मैं पूरा करता हूँ फिर उसके बाद वापस जाऊँगा और फिर आऊँगा इसके ऊपर, फिर समझ आएगी, अभी नहीं समझ आएगी, अभी सिर्फ सुने। हमने क्या कहा कि अगर इस सी एक्स के अंदर से जो हमने 1 माइनस किया है, अगर इसके नतीजे में जीरो फ्लैग सेट हो गया है तो फिर क्या, जंप कर लो वापस इस जगह पे चले जाओ। ठीक है, उल्टा बोला है, जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे। सी एक्स में मैंने वैल्यू लोड की 3, यहां पे जब मैं पहली दफा पहुंचूंगा तो हम इसको सब्ट्रैक करेंगे तो सी एक्स के अंदर रिजल्ट क्या प्रोड्यूस होगा, 2। ये कह रहा है कि जंप इफ जीरो फ्लैग इज नॉट सेट, इसको इस तरह पढ़ें पहले, ठीक है मैं गलत पढ़ रहा हूं लेकिन पहले इसको इस तरह पढ़ें, जंप इफ जीरो फ्लैग इज नॉट सेट, जंप इफ जीरो फ्लैग इज नॉट सेट, किस जगह पे, इस जगह पे, तो वो जंप इधर कर जाएगा। लूप यही करता है ना, लूप यूं करके आप वापस जाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर जीरो फ्लैग इस जगह पे, पिछली जो भी लॉजिकल या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन थी उसने अगर जीरो प्रोड्यूस नहीं किया था तो जंप करके कहाँ चले जाओ, आउटर लूप के ऊपर चले जाओ। ठीक है, दोबारा आ जाएं, अब हम करना क्या चाह रहे हैं, ये आपका लूप है जी। सी में लूप इस तरीके से लिखते हैं, एंट सी इज इक्वल टू 3, मैं ज़रा ये सेमी कॉलन हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं डॉट लगा देता हूँ सेमी कॉलन की जगह पे ताकि आपको ज़रा कोड ज़रा क्लियरली नज़र आ जाए। ठीक है, बल्कि ये भी हटा देते हैं, चले ये 3 चीज़ें होती हैं ना आपके पास, एंड सी इज इक्वल टू 3, सी माइनस माइनस हर दफ़ा करोगे जब तक कि सी ग्रेटर देन 0 रहे। ठीक है, तो देखें एग्जैक्टली ये चीज़, जैसे पहले कहा था असेंबली इज जस्ट अ डिफरेंट लैंग्वेज, यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट द सेम लूप का कोड इनटू असेंबली लैंग्वेज। कैसे होता है, असेंबली के अंदर लूप किस तरह लिखते हैं, ये अगर आपको समझ आ गया तो लूप के अपनी जितनी एग्जांपल्स की थी सारी की सारी आप यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज के अंदर लेके आ सकते हैं। ठीक है, एंड सी इज इक्वल टू 3, ये रहा एंड सी इज इक्वल टू 3। ठीक है, सी एक्स रजिस्टर को हम एज अपना काउंटर का वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए इसको सी एक्स कहा जाता है, काउंटर वेरिएबल। ठीक है, इसको काउंटर रजिस्टर कहते हैं, ए एक्स इज अक्यूमुलेटर रजिस्टर, बी एक्स इज बेस रजिस्टर एंड सी एक्स इज काउंटर रजिस्टर। ठीक है जी, तो सी एक्स रजिस्टर के अंदर मैंने इसको वैल्यू 3 डाल दी, आप डी एक्स में भी कर सकते हैं लेकिन आमतौर पे सी एक्स को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इंस्ट्रक्शन तो हमारी पुरानी इंस्ट्रक्शन है, ये हमारा सिर्फ एड्रेस है, ये हमारी लूप की बॉडी है जो कि हम रिपीटेटिवली करवाना चाहते हैं। यहाँ पे आके मैंने इसको कहा कि सब्ट्रैक्ट करो सी एक्स में से 1। ठीक है जी, ये रहा आपका सी माइनस माइनस। ठीक है, हर दफ़ा लूप की बॉडी में, ये लूप की बॉडी चल रही है ना यहाँ पे, हर दफ़ा हम क्या करते हैं, एक दफ़ा सी माइनस माइनस करते हैं। और आखिरी कंडीशन क्या थी कि अगर माइनस करने के नतीजे में जीरो प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है, या यूं इसको पढ़ें कि अगर माइनस करने के नतीजे में जीरो प्रोड्यूस नहीं हुआ तो लूप कंटिन्यू कर लो, अगर माइनस करने के नतीजे में जीरो नहीं हुआ यानी कि ग्रेटर देन जीरो है तो लूप को चलाते रहो। ठीक है जी, यहाँ तक बात
थोड़ी बहुत अगर समझ आएगी तो डिबगर में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। यही चीज़ को हमने यहाँ पे ट्रांसलेट किया है। उसके तीन पार्ट्स थे या यूं के चार पार्ट्स थे। एक वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन वो ये रही, एक आपके पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर वो ये रहा, एक आपके पास लूप की बॉडी वो ये रही, एक आपके पास कंडीशन कि रोकना किस वक्त है वो ये रहा। ठीक है, तो एग्जैक्टली उस चीज़ को हमने यहाँ पे ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक हो गया। अब एक दफ़ा दोबारा इसको देखें, हमने x के अंदर जीरो कर दिया, इसको रीसेट कर दिया, cx के अंदर हमने थ्री वैल्यू डाली, यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट हुआ है। लेकिन अभी ये हमने ये नहीं कहा लूप स्टार्ट हुआ है, बस ये हमें पता है कि हम इसे लूप बनाएंगे, वरना ये है सिर्फ लेबल। मैंने bx से वैल्यू उठाई और ax के अंदर डाली, bx की वैल्यू मैंने प्लस टू कर दी, cx में से मैंने माइनस वन किया तो पहले थ्री था, अब वो हो गया टू, तो जीरो फ्लैग सेट होगा इस लाइन नंबर 19 के नतीजे में, जीरो फ्लैग सेट होगा नहीं होगा। हम कह रहे हैं इफ द जीरो फ्लैग इज नॉट सेट एंड इट्स नॉट सेट, तो कहाँ जंप कर जाओ, जे इज फॉर जंप, कहाँ जंप कर जाओ, इस एड्रेस पे, वो सीधा यहाँ चला जाएगा, इस इंस्ट्रक्शन को दोबारा एग्जीक्यूट कर देगा, लूप हो गया। सी एक्स में क्या पड़ा हुआ है, टू। आप यहाँ पे आए, सी एक्स में से आपने माइनस वन किया, अब सी एक्स में क्या पड़ा हुआ है, वन। जीरो फ्लैग सेट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा क्योंकि वन प्रोड्यूस हुआ है। ठीक, ये वन प्रोड्यूस हुआ है, जीरो फ्लैग सेट नहीं होगा, तो हम कहेंगे जंप इफ जीरो फ्लैग इज नॉट सेट, तो हम दोबारा जंप कर जाएंगे यहाँ पे आ गए। ठीक, हमने दोबारा इनको ऐड वगैरह कर लिया। अब हम जब करेंगे सबट्रैक करो सी एक्स में से वन, सी एक्स के अंदर पड़ा हुआ है वन, जब आप सबट्रैक करेंगे तो सी एक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो, एंड बिकॉज दिस अरिथमेटिक ऑपरेशन हैज प्रोड्यूस जीरो, अब जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा। और ये कह रहा है कि जंप इफ जीरो फ्लैग इज नॉट सेट, तो जंप इफ जीरो फ्लैग इज नॉट सेट के केस में अगर जीरो फ्लैग सेट है तो फिर क्या होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा, दिस इंस्ट्रक्शन हैज जीरो इफेक्ट, हम आगे चले जाएंगे यहां पे, लूप की बॉडी से हम बाहर आ गए। दोबारा देखें, जब जीरो फ्लैग सेट नहीं है, जंप इफ जीरो फ्लैग इज नॉट सेट, तो कहां जंप कर जाओ, आउटर लूप पे, तो जीरो फ्लैग अगर सेट नहीं है तो हम कहां जंप कर जाएंगे, इस जगह पे, विच इज व्हाट इट सेइंग, जंप इफ जीरो फ्लैग इज नॉट सेट टू आउटर लूप, चला गया। अगर जीरो फ्लैग सेट है तो फिर ये इंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं करती, इट सिंपली गोज टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, जो कि हमारा तरीका, हम अगली इंस्ट्रक्शन पे जाते रहते। ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ जंप को तब करवाएगी जिस टाइम पे आपके पास जीरो फ्लैग सेट नहीं होगा। इसको जाके रन करते हैं, इसमें आपने तीन चार चीजें देखनी है। नंबर एक, आपने सी एक्स को देखना है साथ साथ कि सी एक्स कैसे चेंज हो रहा है, ए एक्स को बी एक्स को भी देखेंगे लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो हम पहले देख आए हैं। आपने इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को देखना है कि वो कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ठीक हो गया, और क्या देखना है, और आपने सी एक्स को देखना है और आपने इस जंप को देखना है, ठीक है जी। सो लेट्स क्विट। ओके, देखें मूव एक्स जीरो कॉमा जीरो, ठीक है, इसे कोई खास इफेक्ट नहीं हुआ। ओके, तवज्जो रखें, हम यहाँ पे सी एक्स के अंदर हम वैल्यू लोड कर रहे हैं थ्री, ये रहा सी एक्स जी, सी एक्स देख लें, सी एक्स के अंदर वैल्यू आ गई थ्री। हमने कहा ये देखें, यहाँ से अब वो आउटर लूप वाली बात बीच में गायब हो गई, क्यों गायब हो गई, क्योंकि आउटर लूप वॉज जस्ट एन एड्रेस, और आपको पता है वो किस चीज़ का एड्रेस था। देखें सी एक्स के अंदर हमने ये चीज़ की, इसके बाद बी एक्स के अंदर मैंने नम वन ऐड किया, तो आउटर लूप इसका एड्रेस नहीं है। बी एक्स के अंदर नम वन की मैंने 011D जो है वो लोड कर दिया, ठीक हो गया। अब ये आपको पता है कि 0109 जो है ना, ये आउटर लूप वाली जगह है, क्यों, क्योंकि एड ए एक्स कॉमा बी एक्स जो है ये आउटर लूप है बेसिकली, ये इसकी जो स्टार्टिंग एड्रेस है, दिस स्टार्टिंग एड्रेस को मैंने आउटर लूप का नाम दिया है, तो वो कौन सी जगह है, 0109, ये अब तवज्जो रखेंगे यहाँ पे, 0109 इज दिस गाय, ये वाली इंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी। ये जो जगह है हमारे पास एड ए एक्स कॉमा बी एक्स, ये जो जगह है हमारे पास, ये स्टार्ट हो रही है, यहाँ से लूप हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये जो इसका जो एड्रेस है वो हमारे पास आउटर लूप है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ जाके हम इसको देखते हैं, अभी तक तो कोई बात नहीं है, वो एड्रेस था, हम इंस्ट्रक्शन में आए, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है जी। सो इंस्ट्रक्शन को हमने एग्जीक्यूट किया, ए एक्स बी एक्स का जो एड्रेस है, बी एक्स क्या है, 011D, तो एम वन में हम 011D को देख लेते हैं, 0005, इसको हमने ए एक्स के अंदर लोड कर दिया, ए एक्स के अंदर वैल्यू चली गई, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को देखें कहाँ पहुँची है, 010B के ऊपर पहुँची है। बी एक्स के अंदर हमने 2 ऐड कर दिया, 011D से हो गया 011F, सही हो गया। सी एक्स में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया, तवज्जो अब यहाँ पे रखेंगे, सी एक्स के अंदर क्या है, 0003, ये सब्ट्रैक्ट करने से हो जाएगा 2, और जीरो फ्लैग जो है वो अभी भी सेट नहीं है, और इसको सब्ट्रैक्ट होने के बाद भी सेट नहीं होना चाहिए,
मैंने सब ट्रैक किया, जीरो फ्लैग इज नॉट सेट। और बात क्या हो रही है यहाँ पे, जंप इफ नॉट जीरो, इसको जंप इफ नॉट जीरो पढ़ते हैं, मैंने पहले थोड़ा सा गलत बोला था ताकि समझ आए, जंप इफ जीरो फ्लैग इज नॉट सेट नहीं बोलते, इसको कहते हैं जंप इफ नॉट जीरो, मुराद जीरो फ्लैग ही होता है। जंप इफ नॉट जीरो टू 0109, ये 0109 क्या चीज़ है, ये वही आउटर लूप है, ठीक है। तो जीरो फ्लैग सेट है नहीं है, तो वी आर गोइंग टू जंप, इसको इस तरह पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू जंप बिकॉज जीरो फ्लैग इज नॉट सेट, या यूं कहें वी आर गोइंग टू जंप टू 0109 बिकॉज जीरो फ्लैग इज नॉट सेट, ठीक है जी। ये आपने F1 किया तो आप देखें आपका ये किधर गया, 0109 पे वापस चला गया, ठीक है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर देखें 0109 पे गया है। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर हम हाथ से नहीं सेट कर सकते थे, जंप की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो और भी आएंगी, जंप की इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को ही चेंज करती हैं बेसिकली, ठीक है जी। तो जंप की इंस्ट्रक्शन करने से हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर वापस 0109 पर चला गया एंड वी वेंट बैक। एक स्टेप और चलाएं, हम यहाँ पे आए, हमने बी एक्स की वैल्यू उठाई जो कि अब 011F हो चुकी है, पहले 011D थी, 011F हो चुकी है, यहाँ से हमने A उठाया, ठीक है, 000A उठाया, उसको AX में ऐड कर दिया, AX के अंदर वैल्यू देख लें, हमने BX के अंदर 2 ऐड किया, 0121 हो गया वो, अगेन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं CX से, तो CX शुड गो टू नाउ 1, और ये लूप की दूसरी दफ़ा चल रही है, पहले एक दफ़ा चल चुका है, ये दूसरी दफ़ा लूप चल रहा है। जीरो फ्लैग शुड स्टिल रिमेन 0, F1 मैंने किया, जीरो फ्लैग इज स्टिल 0, बाकी फ्लैग्स को छोड़ दें, सिर्फ जीरो फ्लैग को देखें, ठीक है, ये और भी बहुत सारे फ्लैग्स हैं उनको छोड़ें, एक एक करके देखेंगे। जंप इफ नॉट 00109, तो बिकॉज जीरो फ्लैग इज नॉट सेट वी आर गोइंग टू जंप टू 0109, ये हमने जंप की। बी एक्स के अंदर 2 पहले हम ऐड कर चुके हैं, तो 1 to 1 में से वैल्यू उठाएंगे, तो 0121 इज दिस गाय ओवर हियर 000F, इसको उठा के हम ए एक्स के अंदर ऐड कर देंगे, 001E हो जाएगा। बी एक्स के अंदर हमने 2 दोबारा ऐड किया, 0123 हो गया। सी एक्स के अंदर अभी 1 पड़ा हुआ है, अभी जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, तवज्जो रख लें यहाँ पे, आखिरी बात है बस, फिर लेक्चर बंद कर रहे हैं। 0001 था सी एक्स के अंदर, जीरो फ्लैग सेट नहीं था, अब जब मैं सब्ट्रैक्ट इसको करता हूँ तो सी एक्स इज जीरो, एंड बिकॉज दिस अरिथमेटिक स्लैश लॉजिकल ऑपरेशन हैज़ प्रोड्यूस्ड अ जीरो, जीरो फ्लैग हैज़ बीन सेट। और यहाँ पे अभी हम इसको कहेंगे कि जंप इफ जीरो फ्लैग इज नॉट सेट टू 00109, तो बिकॉज जीरो फ्लैग इज सेट दिस जंप विल नॉट अकर, नॉट आपस में खत्म हो गए। जंप इफ जीरो फ्लैग इज नॉट सेट, बट बिकॉज जीरो फ्लैग इज सेट वी आर नॉट गोइंग टू जंप। दो तीन दफ़ा ये बात अच्छे तरीके से अपने आपको अच्छे तरीके से समझा लें, ये बहुत बड़े बड़े मसाइल आपके हल कर देगी आगे, ठीक है। बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू जंप, हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर 0103 से 0115, 0113 से 0115 पे हो जाएगा, क्योंकि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी काम कराने के लिए हमें कुछ करना पड़ता, जंप करनी पड़ती। जंप की इंस्ट्रक्शन तो लिखी है लेकिन इट हैज़ नो इफेक्ट बिकॉज इट्स कंडीशनल, ठीक है। तो ये मैंने किया तो मैं आगे आ गया मूव के ऊपर। अब ए एक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी है दैट गोज टू 0123, सो दैट गोज इन टू दिस गाय ओवर हियर 001E, यहाँ पे इसने लोड कर दिया, ठीक है जी, मेमोरी के अंदर। दो तीन काम किए हैं, उनको ज़रा अच्छे तरीके से देखें। नंबर एक, हम लोगों ने ये काम किया कि भाई ये लूप को हाई लेवल पे हम कर क्या रहे थे, हम कर ये रहे थे कि लूप को हम लोगों ने ट्रांसलेट किया असेंबली लैंग्वेज में। लूप के जो इतने फ़ायदे हैं वो सारे आपको पता है, ठीक है। कैसे किया, दिस वॉज योर इनिशियलाइजेशन वैल्यू, दिस वॉज योर डेक्रीमेंट, ठीक है। इंक्रीमेंट वाला काम भी कर सकते हैं, डेक्रीमेंट आसान होता है क्योंकि नॉट जीरो जीरो चेक करना आसान होता है। ये हमारा वो एंडिंग कंडीशन थी और ये हमारी लूप की बॉडी थी, ठीक है। तो अगर आपको ये कोड लिखना आता है, ठीक है, तो आप उसको एज इट इज़ यहाँ पर ट्रांसलेट कर देंगे, ठीक हो गया। अगर वो कोड नहीं लिखना आता फिर तो अलग मसला है ना, वो कोड लिखना आता है तो आप यही पैटर्न चलेगा। देखें, आपको अगर फॉर का सिंटेक्स आता है तो आप किसी भी किस्म का लूप लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये पैटर्न अगर आपको एक दफ़ा समझ आ गया कि एक यहाँ पे ये लगाते हैं लूप, यहाँ पे चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं और जंप नॉट जीरो करते हैं, ऊपर कितनी दफ़ा चलाना है लूप वो लगाते हैं, इस जगह पे लूप की बॉडी होती है जो कि आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप कल को लूप लिखेंगे तो आपको सिर्फ ये लूप की बॉडी चेंज करनी पड़ेगी, कितनी दफ़ा लूप चलाना है ये चेंज करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट एक दफ़ा में कितना करना है ये चेंज करना पड़ेगा। इन चीज़ों के ज़रिए से बाकी ये ऐसा ही रहेगा। इट माइट लुक कॉम्प्लिकेटेड राइट नाउ, लेकिन फॉर का लूप भी तो अगर आप अभी आपको आसान लगता होगा क्योंकि आप बहुत दफ़ा देख चुके हैं, वरना फॉर का लूप भी पहली दफ़ा देखें तो अजीब से ब्रैकेट ब्रैकेट सेमी कोलन माइनस माइनस ग्रेटर पता नहीं क्या हो रहा है। तो इट्स जस्ट डिफरेंट, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ठीक है जी। ये जब आपको एक दफ़ा अच्छे तरीके समझ आ जाएगा तो इट बिकम्स एज ईजी एज अ फॉर लूप, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है, बस थोड़ी तवज्जो रखनी पड़ती है।
दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आप ज़रा तवज्जो रखें वो ये है कि लूप की जितनी बॉडी थी उसको मैंने इंडेंट किया हुआ है। इंडेंट को असेंबली लैंग्वेज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन तवज्जो से गौर से सुने, जब तक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लूप्स की बॉडीज़ को इस तरीके से इंडेंट करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो मैं मार्क्स काटूँगा, ठीक है, क्योंकि आपकी आदत ख़राब होगी। इससे इंडेंटेशन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। असेंबली लैंग्वेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है, ठीक है। लिहाजा हम आपके मार्क्स काटेंगे अगर आप इंडेंट नहीं करेंगे। वेन एवर यू हैव अ लूप, तो स्टार्ट से लेके एंड तक आपने उसको इंडेंट करना है इस तरीके से, ठीक है, ताकि पता चले कि ये वाली चीज़ लूप की बॉडी से बाहर है, ठीक है। मैं आपकी जंप जीरो की या जंप नॉट जीरो की इंस्ट्रक्शन के पीछे नहीं फिर सकता, आप खुद भी नहीं फिर सकते, कल को जब अपना कोड देखेंगे तो मसला होगा, ठीक है जी। तो ये आपने इंडेंट ज़रूर करना है इसके ऊपर। अगर इसके अंदर मल्टीपल नेस्टेड लूप्स होंगे, वो थोड़े अरसे बाद आएंगे, उसको भी आपने अलग से इंडेंट करना होगा, ठीक है। तो इंडेंटेशन ज़रूरी है असेंबली के लिए नहीं, हमारे लिए। असेंबली को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असेंबली में आप ये इसको इधर ले जाएं को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन इंडेंट करेंगे, ठीक हो गया जी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बता दूँ आपको कि ये फ्लैग्स के रजिस्टर्स जो हैं, दैट इज़ एट पेज 435, एक नज़र दिखा देता हूँ। सो इफ़ यू गो टू पेज 435, ये आप देख सकते हैं कि आपको सारे फ्लैग्स यहाँ पे बता रहा है, ठीक है जी। कुछ ऊपर बताया हुआ है कि ये जो नीचे टेबल है इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे होता है। इसमें सिर्फ जो हमारे काम की चीज़ है वो ये एम है, ठीक है, कि अगर कोई इंस्ट्रक्शन मॉडिफाई करती है किसी फ्लैग को तो उसके कॉलम के अंदर लिखा होगा एम। तो ये जीरो फ्लैग का कॉलम है, ठीक है, इसको देखें, नीचे आ जाएं, एक्सक्लूसिव और कहाँ है, एक्सक्लूसिव और, या सब देख लें, सब सब्ट्रैक्ट, ये रहा सब्ट्रैक्ट, देखें सब्ट्रैक्ट जो है जीरो फ्लैग के कॉलम में क्या लिखा हुआ है, एम। इसका मतलब है कि जीरो फ्लैग को सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन जो है वो इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। हर फ्लैग को हर चीज़ इफेक्ट नहीं करती। जिस तरह मिसाल के तौर पर आपके पास मूव की इंस्ट्रक्शन को देखते हैं, एम ओ वी मूव, देखें मूव की जो इंस्ट्रक्शन है वो जीरो फ्लैग को इफेक्ट नहीं करती, ठीक है। तो आप अगर मूव कहेंगे ना, मूव ए एक्स कॉमा जीरो, उससे जीरो फ्लैग सेट नहीं होगा। इट हैज़ टू बी एन अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शन जो कि जीरो फ्लैग को सेट या अनसेट करती है, ठीक हो गया जी। तो आपका मूव की इंस्ट्रक्शन जीरो फ्लैग को इफेक्ट नहीं करती। तो ये वाला लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसको अच्छे तरीके से देखें, कोई सवाल वगैरह हो तो ज़रूर पूछें, ताकि इसको अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करें। इसके अंदर फ्लैग्स देखे हैं, जंप की इंस्ट्रक्शन देखी है और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हम लोगों ने देखी है। तीनों चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, कॉन्सेप्ट्स अपनी जगह पे बहुत छोटे छोटे से हैं, ठीक है। तीनों कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग करके देखें अच्छे तरीके से, सवालात वगैरह हों तो ज़रूर पूछें, ताकि इसको अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर सकें।